कोनिच्चिवा भाई लोग, तो कैसे हो तुम लोग? तो यार आज हम ड्रैगन बॉल सुपर के मांगा के चैप्टर 62 को देखने वाले हैं। तो इस चैप्टर का नाम है एज ऑफ डिफीट। तो अब बिना किसी बकवास किए शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन वीडियो को। तावड़े जल्दी से इंट्रो लगा, वैसे भी हम लेट हैं। चैप्टर की शुरुआत में पिकोलो मोरो को देख के बोलता है, अब इसके बाद 7-3 का पावर भी आ गया है। और मोरो बोलता है, सही कहा। और गोकू बोलता है, ये फिर से वापस आ गया। और हम देखते हैं कि वेजिटा फिर से खड़ा हो चुका है और वो मोरो को देख के बोलता है, तो फिर मैं इसे कुचल दूंगा। और इतना कहने के बाद ही वो मोरो के ऊपर हमला करता है, पर वेजिटा एक भी अटैक मोरो के ऊपर मार नहीं पाता। मोरो तब वेजिटा को बोलता है, वेजिटा अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ये न्यू टेक्निक्स मुझे चोट पहुंचाए, तो तुम्हें इन टेक्निक्स को और भी ज्यादा ताकतवर बनाना होगा। मुझे नहीं लगता कि तुम वही गलती दोबारा करोगे। ये सुनके वेजिटा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। गोहन तब वेजिटा को बोलता है, वेजिटा अब इसके पास 7-3 का एबिलिटी भी है और उस एबिलिटी का रूल है कि वो बस 30 मिनट तक ही काम करेगा। और ये सुनके पिकोलो बोलता है, हाँ सही कहा, अगर हमने उसको 30 मिनट तक रोक लिया तो हम फिर से जीत सकते हैं। तभी मोरो हंसते हुए बोलता है, ये ताकत अपनी जगह पे वापस आ चुका है, इसलिए अब इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। और हम देखते हैं कि वेजिटा उसके ऊपर एक पंच मारने जाता है, पर मोरो इस पंच को बहुत ही आसानी से रोक देता है और वेजिटा के पीछे आके उसका गर्दन पकड़ लेता है, जिसके बाद वो वेजिटा को छोड़ भी देता है। और हम देखते हैं कि मोरो के हाथ में वेजिटा का फोटो आ चुका है, इसका मतलब मोरो ने वेजिटा के एबिलिटी को कॉपी कर लिया है। वेजिटा मोरो को बोलता है, आखिर तुमने ये क्या किया? और मोरो बोलता है, मैंने तुम्हारे सारे एबिलिटी को कॉपी कर लिया वेजिटा। और गोहन भी समझ जाता है कि अब मोरो ने वेजिटा के सारे एबिलिटी को कॉपी कर लिया है। गोकू ये सब चीजें समझ नहीं पाता। तभी गोहन 7-3 की एबिलिटी को गोकू को अच्छी तरीके से समझाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मोरो ने वेजिटा के ऊपर एक जोरदार पंच मारा है, जिससे वेजिटा दूर जाकर गिरता है। और अब मोरो वेजिटा के ऊपर एक की ब्लास्ट हमला करने वाला है। और वेजिटा का फेस देख के ऐसा ही लगता है कि वेजिटा को पता है कि ये हमला कौन सा है। और गोहन भी इधर समझ चुका है कि मोरो कौन सा हमला करने वाला है। तभी मोरो बोलता है, बिग बैंग अटैक, तुम इसको यही कहते हो ना वेजिटा? जिसके बाद मोरो उस अटैक को वेजिटा के ऊपर शूट कर देता है और उधर एक बड़ा सा धमाका होता है। और धूल हटने के बाद हम देखते हैं कि वेजिटा घायल होकर जमीन पे पड़ा है, वो अब और लड़ नहीं सकता। वेजिटा को देख के मोरो बोलता है, ये कितना बड़ा नाम है, पर ये तो बस एक ऑर्डिनरी अटैक था। अब पिकोलो गोकू को बोलता है, अगर मोरो ने सच में वेजिटा के सारे एबिलिटी को कॉपी कर लिया है तो इसका ये मतलब है कि मोरो अब फोर्थ स्प्रिट विजन को भी इस्तेमाल कर सकता है। इसका मतलब अगर तुम और वेजिटा पोटर ईयरिंग की मदद से फ्यूज भी हो जाते तो मोरो इसको डिफ्यूज कर देता। ये सुनकर गोकू भी हैरान हो जाता है। इधर लुकआउट में सभी लोग बैटल रूम में जो कुछ हो रहा है वो देख के हैरान रह जाता है। उन्हें पता है कि अब धरती पे ऐसा कोई भी नहीं बचा जो कि मोरो के साथ मुकाबला कर पाए। पर तभी डेंजो बोलता है कि वो अब बैटल फील्ड में जाएगा और सभी की एनर्जी को फिर से रिस्टोर कर देगा ताकि वो लोग फिर से मोरो के साथ लड़ पाए। पर इधर सभी को पता है कि बैटल फील्ड में जाना डेंजो के लिए खतरे से खाली नहीं है। पर डेंजो बोलता है, मुझे पता है ये खतरनाक है, पर मैं इस अर्थ का गॉड हूँ, ये सब देख के मैं इधर बैठा नहीं रह सकता। जिसके बाद डेंजे मिस्टर पोपो और इसका को इस जगह की जिम्मेदारी देके वहाँ से चला जाता है, यानी कि बैटलफील्ड में आने लगता है। और हम देखते हैं कि किलेन भी बैटलफील्ड की तरफ बढ़ रहा है और उसके हाथ में सेंसोबिन्स का एक बैग है। और उसे भी ये महसूस हो जाता है कि बैटलफील्ड में जितने भी सी फाइटर्स हैं उनकी की एनर्जी कम हो चुका है। और बैटलफील्ड में हम देखते हैं कि गोहन और पिकोलो दोनों एक साथ मिलकर मोरो के ऊपर अटैक करते हैं, पर इसका कोई भी फायदा नहीं होता। मोरो बड़े ही आसानी से इन दोनों को हरा देता है। पिकोलो मोरो को बोलता है, मैं तुम्हें इतने आसानी से जाने नहीं दूंगा, भले ही तुम मुझे मार क्यों ना दो। और मोरो ये सुनकर पिकोलो को बोलता है, क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि मैंने तुम्हें अभी तक जिंदा क्यों रखा? क्योंकि तुम मेरा खाना हो नमकीन। और तभी हम देखते हैं कि गोहन एक रिंग जैसा हमला तैयार करता है और मोरो के ऊपर
सूट करता है जिससे मोरो का एक हाथ लॉक हो जाता है और तभी गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज़ करके मोरो के पीछे आ जाता है। पर मोरो को ये पहले ही पता चल चुका था कि गोकू वहाँ पे आने वाला है। गोकू ने पहले ही एक कामेहामेहा तैयार किया था और जैसे ही वो मोरो के पीछे आया वो अपने अटैक को मोरो के ऊपर सूट कर देता है। मोरो का एक हाथ लॉक है इसलिए मोरो उसको दूसरे हाथ से रोकने की कोशिश करता है, पर ये बहुत ही ताकतवर अटैक था। दुर्घटना के बाद हम देखते हैं कि मोरो का एक हाथ कट चुका है, पर मोरो अपने कटे हुए हाथ को लेके ही गोकू की तरफ बढ़ने लगता है और हम देखते हैं कि मोरो का हाथ अब रीजेनरेट हो चुका है और वही हाथ गोकू के शरीर के आर पर चला जाता है जिससे गोकू के दिल में एक छेद हो जाता है। मोरो अब बोलता है, मेरे पास अब पिकोलो के रीजेनरेशन की भी एबिलिटी है, 7-3 ने इसको कॉपी कर लिया था और ये अब हमेशा के लिए मेरा हो चुका है और इसका कोई भी लिमिट नहीं है। और इधर गोकू की हालत बहुत ही बदतर बन चुका है, वो मोरो के घुटनों में गिर जाता है और मोरो उसको लात दे के दूर फेंक देता है, जिसके बाद मोरो गोकू को बोलता है, मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं मारूंगा, पहले मैं उस एनर्जी को तो ले लूं जो कि मुझे चाहिए। जिसके बाद मोरो गोकू की एनर्जी को सोखने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और अपने डैड को इस हालत में देख के गोहान गुस्से में मोरो के ऊपर हमला कर देता है। वो मोरो को लात और गुस्सा दोनों ही मारता है पर इसका कोई भी फायदा नहीं होता। मोरो एक मुक्के से ही गोहान को नॉकआउट कर देता है, जिसके बाद मोरो बोलता है, सेयंस कमाल के होते हैं, ये अपने पावर को भी बूस्ट कर सकते हैं, ये एबिलिटी मेरे बहुत काम आएगा। तभी कोई टेलीपैथी से पिकोलो को बुलाता है और पिकोलो ये आवाज़ सुनकर समझ जाता है कि ये और कोई नहीं डेंजर है। डेंजर पिकोलो को बोलता है कि वो बैटल फील्ड में आ रहा है और वो सभी की एनर्जी को रिस्टोर कर देगा। तभी पिकोलो को याद आता है कि मोरो के पास उसका भी एबिलिटी है, इसलिए वो डेंजर को टेलीपैथी से बात करने के लिए मना करता है, पर अभी काफ़ी देर हो चुका है। मोरो ने ये नोटिस कर लिया कि इधर और एक नेमेकियन आ रहा है। मोरो अब पिकोलो को बोलता है, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ वेवोकूफो, उसने कहा कि वो सभी की एनर्जी को रिस्टोर कर देगा, ये मेरे लिए खतरा बन सकता है। और इतना बोल के ही मोरो आसमान की तरफ एक एनर्जी बॉल शूट करता है जिससे उस बैटलफील्ड के चारों तरफ एक एनर्जी बैरिकेड क्रिएट हो जाता है। डेंजर बैटलफील्ड में आने ही वाला था पर वो उस एनर्जी बैरिकेड को देख लेता है और इधर किलन भी इस एनर्जी बैरिकेड को देख लेता है क्योंकि वो भी बैटलफील्ड के पास पहुंच चुका था। तभी जैक को पिकोलो एंड्रॉइड 17 और 18 ये चारों मोरो के ऊपर हमला करते हैं पर कोई भी मोरो के सामने थोड़ी देर भी टिक नहीं पाता। पर तभी पिकोलो अपने बचे हुए एनर्जी को इस्तेमाल करके एक ताकतवर अटैक बनाने लगता है। जैक को ये देख के पिकोलो को बोलता है, आखिर तुम कर क्या रहे हो? पिकोलो बोलता है, मैं इधर एक बड़ा सा धमाका करने वाला हूँ, इस धमाके के बाद इस बैरियर के अंदर कुछ भी नहीं बचेगा। ये सुन के जैक को हैरान रह जाता है। तभी मोरो पिकोलो के ऊपर एक स्पेशल बीम कैनन इस्तेमाल करके उसको नॉकडाउन कर देता है और बोलता है, अब इधर कोई भी बेवकूफी वाला काम नहीं होगा, तो बस तुम ही बचे हो गैलेक्टिक पेट्रोल। और हम देखते हैं कि जैको के अलावा उधर कोई भी जीपर्स लड़ने के हालत में नहीं है। इसके बाद हम डेंजर को देखते हैं जो कि तमाम कोशिश करने के बाद भी उस बैरिकेड को तोड़ नहीं पाया। वो बोलता है, मैं एकदम यूजलेस हूँ, इस प्लैनेट का गॉड होने के बाद भी ना ही मैं इस प्लैनेट को बचा सकता हूँ और ना ही किसी की मदद कर सकता हूँ। तभी अचानक डेंजर जहाँ पे होता है वहाँ पे गड्ढा बन जाता है जिससे डेंजर उस बैरिकेड के अंदर आ जाता है। तभी कोई डेंजर को बोलता है, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है गॉड ऑफ अर्थ। और डेंजर इसको देख के हैरान रह जाता है। इधर बैटलफील्ड में जैको मोरो को बोलता है, पीछे हटो, ये मेरी चेतावनी है। और मोरो जैको को देख के बोलता है, तुम जैसे कीड़ों की एनर्जी मेरे किसी काम की नहीं है, पर देखा जाए तो इस बैटलफील्ड में बस तुम ही बचे हो, अलविदा। और जैसे ही मोरो ये बोलता है जैको उसके ऊपर सूट कर देता है और हम देखते हैं कि वहाँ पे बड़ा सा धमाका होता है। जैको ये देख के बोलता है, क्या ये मैंने किया? और मोरो किस की तरफ देखते हुए बोलता है, आखिर ये कैसी एनर्जी है, तुम कोई साधारण गैलेक्टिक पेट्रोल नहीं हो। और हम देखते हैं कि वहाँ पे मीरा आ चुका है और यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो यही था चैप्टर 62 की पूरी कहानी। उम्मीद है तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर तुम्हें सच में ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और इस चैप्टर में तुम्हें कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा ये भी मुझे कमेंट करके बोल सकते हो। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चाहो तो अपने भाई को इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो।
लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो आज के इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं। आरा आरा सायोनारा।